जी हाँ प्यारे छात्रों, तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 7 का जो अर्धवार्षिक का आपका पेपर है। इससे पहले मैंने कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का पेपर अपलोड कर दिया है, जिसे बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया है। तो अब मैं आपका कक्षा 7 के बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर कक्षा 7 का भी पेपर प्रोवाइड कराइए। तो यहाँ पर आपका कक्षा 7 का बिल्कुल रियल पेपर यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ। तो देखिए किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पर आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र लिखा आएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पर आप अपने पिता का नाम लिखेंगे और आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उस शाला का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, और आप जिस ब्लॉक में रहते हैं वह आपको यहाँ पर लिखना है, और जिले का नाम लिख देना है। अनुक्रमांक यानी कि आप अपना अनुक्रमांक डालेंगे। यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखोगे ना, तो क्या है कि बहुत सारे यूट्यूब पर आपको 24 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फेक है। ओके, जितने भी 24 क्वेश्चन बता रहे हैं वो फेक है। 22 क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे और पूर्णांक आपका 50 अंक का होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चंस आपको पढ़कर जाना है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो पूर्णांक है 50 नंबर का है। चलिए और महत्वपूर्ण निर्देश देखोगे तो देखिए महत्वपूर्ण निर्देश में है प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए गए स्थानों में निर्देशानुसार लिखे जाएं। ओके, और दूसरा है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो चलिए यहाँ से हम कार्य प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न देखोगे मोर है, तो ऑप्शन ए है पेड़, ऑप्शन बी है पशु, ऑप्शन सी है पक्षी और ऑप्शन डी है ऋतु, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि मोर है, तो मोर क्या है वह आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, है ना। तो इसका जो सही उत्तर आप देखेंगे, थोड़ा देखिए अब क्वालिटी सही आ रही होगी, तो यहाँ पर मोर है, तो मोर क्या है आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा एक पक्षी है। ओके, तो ये पशु नहीं है, ना ही ऋतु है, ना ही पेड़ है। तो ऑप्शन सी आपको इसको सही कर लेना है। इसके बाद हम प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न 2 पूछा जाएगा। प्रश्न 2 देखिए क्या है, उपर्युक्त पुस्तक के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी कर लेना है, डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर ताम्र ऐसे फैलाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न 2 के बाद आप देखोगे प्रश्न 3। ओके, तो प्रश्न 3 यहाँ पर आप देखेंगे डेंगू के मुख्य धारक हैं, तो डेंगू के मुख्य धारक हैं तो ये हो जाएगा आपका संक्रमित मनुष्य। तो प्रश्न 3 का उत्तर जो कि आपका 1 अंक के लिए पूछा गया है, ओके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संक्रमित मनुष्य। इसके बाद देखिए प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रश्न 4 है, डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे, तो उसे चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न है प्रश्न 5, डेंगू बुखार के प्रमुख कारक कितने हैं। तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 5। तो डेंगू बुखार के प्रमुख कारक कितने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया था, उसमें आपको 1 से 5 तक डेंगू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न होने वाला है जो वह देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न 6, जो कि आपका यहाँ पर 1 अंक के लिए पूछा गया है। प्रश्न 6 है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाती हैं, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ये है संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करेंगे तो संज्ञा तो कहलाएगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और डी है विशेषण। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाती हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही कर देना है। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ओके, चलिए मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 देखोगे, भारतीय मुद्रा का नाम है, तो ऑप्शन ए है रुपया, ऑप्शन बी है डॉलर, ऑप्शन सी है पाउंड, ऑप्शन डी है येन। तो डॉलर आपको पता है US की जो करेंसी है यानी कि मुद्रा है, और ये येन कहाँ की है आपको पता होना चाहिए, जापान की है। आपको पाउंड कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किसकी मुद्रा है, और भारतीय मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, रुपया। तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पर सही रहेगा, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पाउंड किस देश की मुद्रा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 8। देखिए यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 8 देखोगे। ओके, तो सभी प्रश्न मिलेंगे, बस वीडियो को पूरा देखना। चलिए अगला देखते हैं, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जाग जाना, ऑप्शन बी है जोड़ना,
ऑप्शन सी है भाग जाना और ऑप्शन डी है आ जाना। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, तो इसका आप सही उत्तर करेंगे ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा भाग जाना। चलिए अगला देखिए प्रश्न 9, वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। चलिए थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको अब दिखने लगा होगा। चलिए प्रश्न 9 देखिए, वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं कहलाते हैं। ये आपका एक अंक के पूछा गया है, तो वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, तो क्या ऑप्शन ए है उपसर्ग, ऑप्शन बी है प्रत्यय, तत्सम तद्भाव। तो उपसर्ग क्या होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, तो अब इसका सही आंसर उपसर्ग हो जाएगा। जबकि प्रत्यय क्या होते हैं, आगे न जुड़कर पीछे जुड़ते हैं। ओके तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आप इस तरीके से करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 10। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 है अर्धविराम का चिन्ह है, तो चलिए मैं जूम कर देता हूँ। ओके तो चलिए अब क्या है अर्धविराम का चिन्ह है, तो यहाँ ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो बच्चों अर्धविराम का चिन्ह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे ना तो आपको लघुत्तरी प्रश्न 11 से 20 तक आपको लघुत्तरी प्रश्न मिलेंगे, और 11 से 20 तक आपको 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके लघुत्तरी प्रश्न मिलेंगे और 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए प्रश्न 11 देखते हैं, बीती यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न 11 है, बीती रात कमल दल फूले, पंक्ति में कमल दल से क्या आशय है, कमल शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, है ना। तो प्रश्न 11 का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, बीती रात कमल दल फूले, पंक्ति से आशय कमल के फूल खिलने से है। ये 3 अंक का क्वेश्चन है, कमल के पर्यायवाची शब्द जलज, नीरज और राजीव। ये आपको 3 आपके ये बुक में जो आपकी वर्कशीट है उसमें आपको मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 12। तो आपसे प्रश्न क्रमांक 12 में क्या पूछा गया है वो मैं बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ये आपसे पूछा जाएगा आपके प्रश्न पत्र में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, जैसे दांतों तले अंगुली दबाना, तो इसका हो जाएगा हैरान रह जाना, ये आपका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। और प्रयोग कैसे लिखेंगे, गौरव ने सौरभ के काम को करते देख दांतों तले अंगुली दबा ली। इसके बाद अगला है हार न मानना, इसका मतलब है पीछे ना हटना। वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे, मोहन पढ़ाई को लेकर कभी पीछे नहीं हटा। तो इस तरीके से प्रश्न 12 देखेंगे आप, क्योंकि आप देखते हैं कि जो आपका प्रश्न था वो 3 अंक का था, तो यहाँ पर तीसरा आपसे जो पूछा जाया है जुट जाना यानी कि लगे रहना, तो ये वाक्य में प्रयोग करोगे आप, हमेशा पढ़ाई लिखाई में जुटे रहना चाहिए। ओके तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लोगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु आपको क्यों अच्छी लगती है। तो ये प्रश्न 13 है, इसका उत्तर आप लिखोगे, यहाँ पर उत्तर देखिए, वर्षा ऋतु में चारों तरफ से हरियाली छा जाती है, कोयल की मनमोहक आवाज़ सुनने को मिलती है, प्रकृति का मनमोहक चित्रण देख वर्षा ऋतु अच्छी लगती है। तो ये आपका प्रश्न 13 का उत्तर यहाँ पर लिख देना है। ओके अब हम देखते हैं प्रश्न 14। तो प्रश्न 14 आप यहाँ पर देखोगे, अपने जिले की नदी के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आप पहला लिखोगे, हमारे जिले की नदी सबसे बड़ी नदी है। ओके आप अब जिस जिले में भी रहते हो उस जिले के अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि आपके यहाँ पर कौन सी नदी है, उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकती हो। ये प्रश्न आपके आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने नदी के बारे में किस तरीके से वर्णन कर सकते हो। एज ए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमारे जिले की नदी में हमेशा पानी रहता है, आप बता सकती हैं कि ये गर्मी में सूख जाती है, क्या होता है वह आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद हमारे जिले की नदी का पानी दूसरे जिले के व्यक्ति भी उपयोग करते हैं, तो ये आपका प्रश्न 14 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 देखिए, डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। ओके तो यहाँ पर आप प्रश्न 15 देखोगे, डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो डॉक्टर कलाम बच्चों से बहुत स्नेह करते थे, उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छिपा होता है, बच्चों से वे मित्र की तरह बने रहते थे। तो ये आपका प्रश्न 15 हो जाएगा, यहाँ से आप प्रश्न 15 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न 16। तो प्रश्न 16 है, यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, यदि हम वैज्ञानिक बनना चाहेंगे तो हमें प्रयोग और अनुसंधानों के
के द्वारा करके पढ़ाई करनी होगी, यानी कि प्रैक्टिकल हमें चीज़ों को देखना होगा क्या चीज़ हो रही है, तभी हमारा जो माइंड सेट होगा वह वैज्ञानिक की तरह हो पाएगा। यानी कि हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों रूप से पढ़ेंगे तभी हम क्या वैज्ञानिक बनेंगे, तभी आप वैज्ञानिक बन पाएंगे। ओके, तो चलिए प्रश्न 16 का उत्तर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न 16 के बाद आपको हम बताते हैं प्रश्न क्रमांक 17। यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रश्न क्रमांक 17। तो ये प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, जयंत हंस रहा है वाक में कौन सी क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया दो दो वाक बनाइए। तो आपको ये बताना है कि ये जयंत हंस रहा है ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। यदि सकर्मक क्रिया है तो फिर आपको दो दो वाक इनके सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बताना है। तो यदि आप चाहते हैं प्रश्न 17 और इससे आगे के प्रश्नों का संपूर्ण सॉल्यूशन देखना, तो इसके लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाइए फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाइए फटाफट ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।